जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, कितनी सदियां बुलाती है जिसको वो चाहे सिर्फ तुझको। कितने टुकड़ों में बट कर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। और कैसी दुख की घड़ी है। जवाब शोर नहीं बचाना वरना यहीं पे चुप करवा दूंगा। क्या करे, तुम पागल हो गए हो? हुआ तो नहीं था लेकिन अब हो जाऊंगा। माँ बनकर पाला है ना, तो फिर समझो, महसूस करो इस दर्द को, इस तकलीफ को। अब तुम्हें मेरे साथ यहीं पे रहना है। छोड़े मुझे, नहीं रोका के बाहर छोड़। जिसकी आंखों में सावन छड़ी ये लो मेरा बेटा, ये पी लो और ये खा लो। मुझे ये नहीं खाना। तो फिर क्या खाना है बेटा? मुझे बर्गर खाना है। बर्गर? बर्गर इसका कहाँ से मिलेगा? बर्गर शॉप से मिलेगा। अच्छा, मैं लेके आता। आप ऑर्डर करवा रहे ना? ऑर्डर करवा? शॉप का नंबर है तुम्हारे पास? आप मम्मा से ले लेना, उनके पास होगा। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, मैं दरवाजा बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ तुम्हारे लिए बर्गर लेने। आप मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे बहुत डर लगेगा। मेरी मम्मा मुझे छोड़ के नहीं जाती थी। तो बेटा बर्गर भी तो खाना है ना, लाऊंगा तो खाओगे। आप ऐसा करें कि आप मुझे अपने साथ ले जाए। अच्छा, मैं ये रख के आता हूँ, फिर चलते हैं। देखो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ तुम मेरे साथ चलो। आज नहीं, कुछ दिन बाद चली जाऊंगी। अगर अभी गई तो अपने आप को संभाल नहीं सकूंगी और फिर कुटुब भी डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसे भी तो उसने जवाद के साथ ही रहना है, ये उसकी जरूरत की कुछ चीजें हैं, उसको दे दीजिएगा। ठीक, जवाद से मेरी बात हो गई थी, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा।
तो मैं चलता हूँ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलता हूँ, आइए। अज़द, अज़द, वो तुमसे कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा, लेमन इस तरह तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब ऐसा कुछ नहीं है? अपनी हालत तो देखो, कहाँ खोई हुई हो, किन सोचों में हो? मैं कुछ नहीं सोच रही, आपको बस ऐसे लग रहा है। बहुत डिस्टर्ब था। किसकी बात कर रही है? गुड्डू की? जवाद को वो कैसे समझाए कि गुड्डू की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज उसके चेहरे पे साफ पढ़ा मैंने जब वो रिक्शे से उतरा। रिक्शे से? जवाद उसे रिक्शे पे तो ले जा सकता है या फिर अपनी मोटरसाइकिल पर। कैसे रखेगा उसे जवाद, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो,
अगर तुम गुड्डू के पिक एंड ड्रॉप का कुछ करना चाहती हो, किसी किस्म का भी बंदोबस्त, तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन जवाब नहीं मानेगा। हाँ खैर, मानेगा तो नहीं। मासूम बच्चे का क्या कसूर? गुड्डू, मेरा बेटा सारा दिन स्कूल में पढ़ पढ़ के थक गया होगा। मैं अपने हाथों से अपने बेटे को खाना खिलाता हूँ। नहीं, मुझे ये नहीं खाना। अरे बेटा, मैंने अपने हाथों से बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ मैं, ये लो। नहीं, मुझे ये नहीं खाना। जब मैं स्कूल से वापस आता था, मम्मा मुझे नगेट्स खिलाती थी, मुझे वही खाना है। अच्छा चलो ठीक है, अभी ये थोड़ा सा खा लो, फिर मैं खुद अपने बेटे के लिए वो सारी चीजें लेके आऊंगा जो मेरा बेटा शौक से खाता है। क्या क्या नाम लिया? नगेट्स। हाँ नगेट्स, ये लो। नहीं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। मेरी जान, सारे दिन का भूखा है तू, थोड़ा सा खा ले, फिर अभी के अभी चलते हैं और जाके सारी चीजें लेके आते हैं, ठीक है? नहीं, मुझे ये नहीं खाना। नहीं, मुझे मम्मा के पास छोड़ के। अच्छा गुड्डू, गुड्डू गुड्डू मेरी जान, रो मत गुड्डू। अच्छा मेरा बच्चा चुप कर जाए यार, मैं ले जाऊंगा। अच्छा मैं नगेट्स लेके आता हूँ गुड्डू। अच्छा रो नहीं ना मेरा बेटा। मैं खुद मिलने आऊंगी उसे, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि मैं उसे मिलूं, लेकिन अभी मैं चाहती हूं कि वो कुछ दिन आपके साथ एडजस्ट हो जाए। और मैं भी इस हकीकत को मान लूं कि गुड्डू मेरी जिंदगी में नहीं। इस तरह मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा है। मैं जानती हूं ना मिरांडा, लेकिन गुड्डू बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा अगर अभी मैं उससे मिलने आऊंगी, फिर साथ आने की जिद करेगा और तुम आने नहीं दोगे, खामखा तमाशा होगा। मासूम है, सहम जाएगा वो। अगर बिल्कुल नहीं माना तो फिर मुझे बताना, मैं आ जाऊंगी। और बात सुनो, प्लीज मेरे गुड्डू का ख्याल रख।
गुड्डू मैं तो गुड्डू जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है। अरे बेटा मैंने अपने हाथों से बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ मैं, ये लो। नहीं मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मुझे वापस आता है और मम्मा मुझे नंदिश लाती थी, मुझे वही खाना है। अंकल अंकल आप कहाँ हैं? अंकल अंकल आप कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल। मम्मा अंकल अंकल प्लीज दरवाजा खोले अंकल अंकल मैं आपको पापा कहूंगा, पापा प्लीज दरवाजा खोले। पापा पापा जाके रात होगा, मम्मा 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 पापा।
गुड्डू, गुड्डू गुड्डू, मैं तो गुड्डू 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 जी, ये गुड्डू नाम है। ये 15,000 ही देने पड़ेंगे जी, 15,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे और बाकी का बिल बाद में अलग से जमा करवाना पड़ेगा आपको। मेरे पास अभी 2,000 रुपये हैं, आप ये एडवांस रख लें, बाकी मैं फिर बाद में जमा करवा दूँगा। नहीं सर, 15,000 रुपये पूरे जमा करवाने पड़ेंगे आपको। देखिए, मेरा बेटा बहुत बीमार है, एमरजेंसी में है वो, अगर उससे कुछ हो गया तो। वो तो ठीक है, आप पैसे जमा करवाएंगे तो आपके बेटे का इलाज होगा। नहीं, मैं बाद में जमा करवा दूंगा, अभी आप ये एडवांस 2,000 रुपये रख लेना। नहीं सर, ये आप अपने पास रखें, मैं इमरजेंसी में अभी बात करता हूँ। एक मिनट मेरी बात तो सुने। हेलो, अकाउंट से बोल रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात तो सुने। एक मिनट सर, मुझे बात करने दें। मैडम, ये कह रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में जमा करवा दूंगा, मेरी बाइक है, मैं वो भेज दूंगा, मैं दे दूंगा पैसे, अभी आप ये रखें, मेरे बेटे का इलाज तो करने। जी ठीक है सर, आप डॉक्टर साहब से जाके बात करें प्लीज। इलाज तो करने देना यार। Thank you.
धोखा करते हो, ये मेरी मेहनत की कमाई है। छोड़ दो यार मुझे, मुझे छोड़ोगे तुझे। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। हेलो जी, अज़द बात कर रहा हूँ। क्या हॉस्पिटल? लेकिन हेलो हेमंत, गुड्डू गुड्डू बेटा क्या हो गया मेरे बेटे को? गुड्डू मामा आपके पास है, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, कुछ भी नहीं होगा। हाँ ये वो सब देख गए हैं जो इस बच्चे को यहाँ पे लेके आए थे। एमन मैं जैसा भी था, अच्छा था या बुरा था, अगर जितनी मोहब्बत सच्चे दिल से मैंने अपने गुड्डू से की है, शायद किसी और से नहीं की। और आज जाना है कि मोहब्बत करने वाले खुद को तो दुखी देख सकते हैं, मगर जिससे मोहब्बत करते हैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकते। मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं अपने बेटे को वो खुशियां नहीं दे सका जो तुम दे सकती हो। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गुड्डू से कहना कि मुझे माफ कर दे, असद साहब का शुक्रिया कहना, जो कुछ मैंने कहा उन्होंने फौरन मान लिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने बेटे से दूर तो रहूं मगर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद ना करूं। बस तुमसे, असजद साहब से, गुड्डू से और हो सके तो अपनी बहन से भी कहना कि मुझे माफ कर दे। मेरे गुड्डू का ख्याल रखना, उसे बता देना कि उसका बाप जैसा भी था मगर उससे बहुत मोहब्बत करता था, बहुत ज्यादा मोहब्बत। तुम्हें गुड्डू नहीं बल्कि अपना दिल, अपना वजूद, अपने जिगर का टुकड़ा सौंप के जा रहा हूं। बल्कि सच तो यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही जिगर का टुकड़ा वापस कर रहा हूं। जवाब ये ले, पूरे 30 लाख हैं, ज्वेलरी भी है, बॉन्ड्स भी हैं, और अम्मा और हेमंत ने घर के कागजात पे साइन भी कर दी। इसके बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ ले हॉट कैश है। बस तुम भी ये समझो कि तेरे मेरे और सबके दिन फिर गए।
बस अब जल्दी कर दे, मजीद इंतजार नहीं कर सकता मैं। मैं भी अम्मा हेमंत सारे खानदान वालों को बताना चाहता हूँ, मैं भी कोई बेकार आदमी नहीं हूँ, मैं भी 3 को 30 और 30 को 300 बना सकता हूँ। तू समझ, अब तेरा काम हो गया। पार्टी नहीं आई अभी तक, आ जाती है, थोड़ा इंतजार कर। वालेकुम अस्सलाम, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा, भी मैंने आपको बहुत सारी बातें बतानी। बिल्कुल, हम बहुत सारी बातें करेंगे, उससे पहले हम कपड़े चेंज करेंगे, खाना खाएंगे, फिर बातें करेंगे। जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बाटी किधर, किधर बाटी वो, किधर किधर बाटी वो, धोखा किया मेरे साथ। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। धोखा करते हो, ये मेरी मेहनत की कमाई है, छोड़ दो यार मुझे, मुझे छोड़ो गरी तुझे। बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत बहादुर, मामा की तरह लाइफ से लड़ना जानता है। आप कभी हार नहीं मानोगे। जी मामा। और जो बातें मैंने आपको समझाई हैं, आप समझ गए हो ना? जी। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी कि मेरा बेटा इतना समझदार हो गया, बड़ी बड़ी बातों को समझ जाता है। मामा की जान है आप। चलो अब सो जाओ। चलो सो जाओ, लेटो सो जाओ मेरा बच्चा। तुमने गुड्डू से इस मामले पर बात तो कर ली है ना? हाँ, अब वैसे भी इस मसले का सबसे बेहतर हल यही है कि हम उसे बोर्डिंग भेज दें। लोग भी तो भेजते हैं अपने बच्चों को बोर्डिंग, गुड्डू भी चला जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? उसी के लिए अच्छा है, अच्छी तरबियत हो जाएगी, अच्छी स्कूलिंग हो जाएगी, हम सबकी जिंदगी में भी सुकून हो जाएगा और रिश्ते अपनी अपनी जगह एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ ठीक कह रही हो, रिश्ते अपनी अपनी जगह एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या गुड्डू एडजस्ट कर लेगा? और तुम? इंसान चाहे ना चाहे लेकिन
एडजस्ट होना तो पड़ता है ना, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। देखो हेमन, मैं इस मौके पर कोई जज्बाती फैसला नहीं लूंगा, तुमसे हमेशा नुकसान ही होता है। इस मौके पर मैं तुमसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे मैं निभा ना सकूं। जमात के मामले में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था वो एक और बात थी, लेकिन गुड्डू के मामले में मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, वो हॉस्टल जा रहा है तो अच्छी बात है, तुमने अच्छा फैसला किया। बच्चे जाते ही हैं हॉस्टल, वो भी एडजस्ट कर जाएगा, और फिर वो मिलने के लिए तुमसे आया करेगा, बल्कि तुम्हारा दिल करे तो तुम भी उससे मिलने के लिए जा सकते। जी, मैंने भी उसे यही समझाया। अच्छा किया तुमने। हेलो, हाँ जी, राहिल के घर से बोल रही हूँ मैं, उसकी अम्मी बोल रही हूँ। क्या क्या कह रही हैं? क्या क्या कह रही, क्या कह रही? राहिल, 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 हाँ भाई, तुम अपना शॉट तो रेडी करवाओ। हाँ मैं तैयार हूँ, आ रहा हूँ बस, वेट ना करवाओ मुझे यार। ओके बाय। अच्छा अंकल, मैं आंटी के साथ हॉस्टल जा रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आया था। गुड्डू बेटा, आप बहुत अच्छे बच्चे, और आप फिक्र नहीं करो, आप बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में जा रहे हो। इवन आंटी आपसे मिलने के लिए आया करेंगी, आप बल्कि आप भी वीकेंड्स पर या लॉन्ग वीकेंड्स पर उनसे मिलने आ सकते हो। मुझे बस आपको ये कहना था कि आप बहुत अच्छे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप प्रॉमिस करें कि आप हर वीकेंड पे आया करेंगी। प्रॉमिस करती हूँ, अपने बेटे से हर वीकेंड पे मिलने आऊंगी। अपना प्रॉमिस याद रखें। मामा कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आई एम सॉरी, लेकिन एमन तुम्हें मिलने के लिए हर वीकेंड पर नहीं आ सकती। हसजत? हाँ एमन, क्योंकि मिला तो उन लोगों से जाता है जो आपको छोड़कर कहीं जाए, और गुड्डू कहीं नहीं जा रहा। यहीं रहेगा हमारे पास, हमारा बेटा बनकर। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। Thank you.
जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। कितनी सदियां बुलाती हैं जिसको, वो अच्छा है सिर्फ तुझको। कितने टुकड़ों